क्या किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में तब्दील होगा? आज दंगल में हम यही सवाल उठाने वाले हैं। दरअसल 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होनी है और इस महापंचायत में चुनाव लड़ने की रणनीति पर मोहर लग सकती है। आज तक से किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि चुनाव लड़ने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन फैसला 5 सितंबर की महापंचायत ही करेगी। इसके पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने साफ साफ मिशन पंजाब की बात की थी। क्या किसान आंदोलन के नेताओं को चुनावी राजनीति करनी चाहिए? दंगल की बहस में हम आज सीधे सीधे इसी सवाल को उठाने वाले हैं। खुद किसान नेता राकेश टिकैत हमसे सीधे जुड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने का क्या है पूरा का पूरा मामला, इसे एक रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा के करेंगे दंगल में शुरुआत। चुनाव लड़ना कोई गलत काम है? हम वोट नहीं देते भाई, वोट भी तो देता है, तो जो लोग वोट देता है तो चुनाव लड़ने की वोट देने की जो वोट देता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। चुनाव जिसको लड़ना हो लड़ लो चुनाव, कोई यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कोई एफिडेविट थोड़ा देना पड़ेगा मैं चुनाव लड़ू, हम तो नहीं लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता आपके भाई भी नहीं है, क्या रणनीति रहेगी आगे? किसान आंदोलन से क्या राजनीति निकलेगी? क्या नवंबर 2020 से चल रहा किसान आंदोलन यूपी और पंजाब के चुनाव में अहम हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। 5 सितंबर को यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो रही है, वहाँ चुनाव लड़ने की रणनीति पर मुहर लग सकती है। बड़ी पंचायत करेंगे, उसमें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और सब जगह से उसमें किसान आएंगे और वहां से फिर आगे की आंदोलन की रणनीति तय होकर वहां से अनाउंस हो जाएगा। उसमें किसकी किन किन मुद्दों पर होगा, क्या क्या चीजें होंगे, सरकार उससे पहले बातचीत करना चाहती हो, कोई फैसला करना चाहती हो, कोई उसके दिमाग में क्या है वो भी अपनी तैयारी कर लेगा, भाई ये किसान भी अपनी तैयारी कर लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला अभी करीब 2 महीने बाद होगा, लेकिन मोर्चा के ही घटक हरियाणा भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी पहले ही कह चुके हैं कि सिस्टम बदलने के लिए किसान नेताओं को पंजाब का चुनाव लड़ना चाहिए। जनता की परमिशन के बिना, लोगों की परमिशन के बिना किस तरह से लोगों से छेड़खानी करने के लिए लोगों के बीच में नहीं आए। वैसे तो किसान आंदोलन को अब तक गैर राजनीतिक कह के प्रचारित किया गया था, लेकिन यूपी और पंजाब चुनाव के मद्देनजर किसान संगठनों की चुनावी चाल अहम हो सकती है। अगर हम पूरे सभी लोग लगे पंजाब के अंदर और पंजाब की सत्ता अपने हाथ में ले लें और पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में कुछ बदल के दिखा दें, अगर हम पंजाब में एक सैंपल तैयार कर दें, अगर हम पंजाब में एक मॉडल तैयार कर दें कि हाँ सरकार तो ऐसे चलती है, हाँ क्या कायदे कानून तो ये होने चाहिए, हाँ जो व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, एक सैंपल हम पंजाब से दें। आखिर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं कि राजनीति है इसके पीछे, तो राजनीति से प्रेरित हो करके और वो इस अभियान को चलाए हुए, इस आंदोलन को चलाए हुए, इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी उनका सरोकार नहीं है। किसान नेता खुद चुनाव लड़े या नहीं, लेकिन जहां एक ओर किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करने का मौका नहीं चूक रहे, तो मन से किसान नेता बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। चुनाव में जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइंस होगी, उत्तर प्रदेश का किसान, वहां का मजदूर, वहां का व्यापारी, वहां का दुकानदार, महिलाएं, इनको कोई वोट नहीं देगा। कृषि कानूनों पर आर पार की नौबत है और ऐसे में किसान नेताओं का सियासी सुर सरकार के लिए नई चुनौती है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।